जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे सरकारी बैंक के ऊपर स्टडी करने वाले हैं जहाँ पे तकरीबन पिछले 3-4 क्वार्टर से FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स लगातार अपनी जो होल्डिंग है धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। एंड स्टॉक का सर्किट नंबर 20% है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 33% करेक्ट हो गया। स्टॉक का नाम है इंडियन बैंक। इस स्टॉक के ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं। और जो पिछले दिनों जिन स्टॉक पर स्टडी की थी उसका अपडेट, पहला अपडेट है ये, IT स्टॉक्स फोकस में है। तो KPIT स्टॉक के ऊपर स्टडी की थी, 800 की एक रुकावट थी उसको छू लिया है। नेक्स्ट कौन से दो स्टॉक है, अगर लंबी अवधि का किसी का नजरिया है यानी 6 महीने 1 साल 2 साल, तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास जो तो स्टॉक्स आ गए हैं, इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं। सबसे पहले रेलटेल 110 रुपये, फिर सफायर फूड्स 1150 रुपये। एंड जो भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, मेक श्योर कीजिए हर 3 महीने में यानी कि हर क्वार्टर में कंपनी नतीजे पेश करती है। नतीजों को स्टडी करना है, फंडामेंटल्स को चेक करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट अपनी पोजीशन में जो भी बदलाव करना है यानी कि और शेयर्स ऐड करने हैं या लेस करने हैं उसके ऊपर भी काम ज़रूर करना है। एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, पूरी कोशिश होती है एक स्टॉक को एकदम सिंपल सरल मैनर में, मतलब बेसिक तरीके से स्टडी कैसे करते हैं, एंड मैं खुद उन चीज़ों को फॉलो करता हूँ एक स्टॉक में बाइंग करने से पहले या सेलिंग करने से पहले, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए स्टडी शुरू करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स को चेक करेंगे। मार्केट कैप देखिए 35,956 करोड़ का, स्टॉक सिर्फ 7 की PE पर मिल रहा है, काफ़ी सस्ते PE पर मिल रहा है। 52 वीक लो 310 एंड ऑलमोस्ट 52 वीक हाई जो है 310 एंड ऑलमोस्ट उसके आसपास ही काम कर रहे हैं, वहाँ से बस 20 रुपये नीचे। अब हर कंपनी, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हर बैंक जो है हर 3 महीने में अपने नंबर्स पेश करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स, सारे नंबर जो है करोड़ में है। एंड पिछले 4 क्वार्टर के नंबर्स चेक करने हैं, 4x4 का फॉर्मूला याद रखना है। पिछले 4 क्वार्टर्स यहाँ से मार्च 2022 से दिसंबर 2022, एंड यहाँ पे कौन सी 4 चीज़ है, सबसे पहले देखिए फाइनेंसिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, EPS, ये 4 चीज़ को चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले मार्च में क्या नंबर पहुंच गया था फाइनेंसिंग प्रॉफिट का, 872 नेगेटिव, फिर नेगेटिविटी कम हुई नेगेटिव 376, फिर हल्की और नंबर जो है कमज़ोर हुआ नेगेटिव 396, फिर नंबर जो है इंप्रूव हुआ नेगेटिव 395। नंबर नेगेटिव है, लॉस हो रहा है, बट जो नुकसान है उसमें कमी आ रही है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट PBT यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, 835 था, उछाल हुआ 1356 और उछाल हुआ 1590 एंड ऑलमोस्ट फ्लैटिश था नंबर, 1590 था, 1570 1565 के आसपास का एक नंबर पोस्ट किया है। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट 1025 था, बढ़त 1300, फिर ऑलमोस्ट 1300 के आसपास फ्लैट नंबर 1288, फिर बढ़िया बढ़त देखिए 1455 करोड़। नेक्स्ट EPS अर्निंग्स पर शेयर 8.22, बढ़त लगभग 10.5, फिर 10.5 का फ्लैट नंबर 10.34, फिर बढ़त लगभग 12.5 की EPS। तो समझ में आ रहा है नंबर जो है लास्ट 2 क्वार्टर्स में, मतलब यू नो धीरे धीरे करके उतार चढ़ाव के साथ पिछले 4 क्वार्टर के बेस्ट नंबर्स के वो कंपनी ने पोस्ट किए हैं, कंपनी नहीं माफ कीजिएगा बैंक ने पोस्ट किए हैं। इनफैक्ट सभी पैरामीटर जो है, पहला पैरामीटर ये, दूसरा पैरामीटर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, चारों में जो बेस्ट नंबर है 4 क्वार्टर का दिसंबर 2022 के क्वार्टर में पोस्ट किया है। वैसे यहाँ पर नंबर नेगेटिव था बट हाँ सबसे कम नेगेटिव नंबर यही है, ये हमको समझ में आया है। नेक्स्ट हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बैलेंस शीट चेक कीजिए। बैलेंस शीट में क्या चेक करना है, रिजर्व्स, बोरोइंग्स, एंड यहाँ पर जो है बोरोइंग्स का मतलब कर्ज नहीं है, इसका मतलब ये होता है लेंडिंग बुक, मतलब जो लेंड करते हैं ना लोन्स उसकी बुक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट एसेट्स, तो देखिए मार्च 2021 में कंपनी बैंक के पास रिजर्व्स थे, बार बार कंपनी से बोल रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ द टाइम कंपनी के ऊपर हम स्टडी करते हैं इसलिए। तो यहाँ पर देखिए बैंक के पास रिजर्व्स थे 38,300 करोड़ के, जो मार्च 2022 इस साल जो है कितने हो गए हैं रिजर्व हो गए हैं 43,000 करोड़, 38,300 से 43,000 करोड़ हो गए, मतलब तकरीबन 4,000 करोड़ एडिशन हो गया। नेक्स्ट लोन बुक जो है देखिए 5,62,000 था, अभी 6,10 हो गया, मार्च 2020 में देखिए 281 था, बाद में बहुत बढ़त हुई है इनकी लोन बुक में, तो बढ़िया लोन डिसबर्स कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है 6,10,000 यहाँ पे है। फिर नेक्स्ट एसेट्स 625 था मार्च में, अभी हो गया है 674, तो एसेट्स में भी है बढ़िया बढ़ोतरी, 7.25 लाख करोड़ के एसेट्स है कंपनी के पास, अच्छी बात। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, सरकार के पास है यहाँ पे 79-80% का हिस्सा, FIS 3.6, DIS 11.94 एंड पब्लिक के पास ओनली 4.62% का होल्डिंग। अब इंटरेस्टिंग चीज़ FIS देखिए मार्च 2022 में 1.73, बढ़त 2.06, फिर 2.60, बढ़त फिर 3.60, फिर से बढ़त। तो समझ में आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न है, FIS का इंटरेस्ट जो है स्टॉक में लगा हुआ है, काफ़ी सस्ते पेपर स्टॉक मिल रहा है एंड नंबर्स भी धमाकेदार, पिछले 4 क्वार्टर का बेस्ट नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किया है, माफ़ कीजिएगा बैंक ने पोस्ट किया है। तो फंडामेंटल्स में क्या समझ में आया, बढ़िया मार्केट कैप वाली बैंक है, 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, सिर्फ 7 के PE पर मिल रहा है, क्वार्टरली नंबर्स हमने चेक किए, पिछले 4 क्वार्टर्स का बेस्ट नंबर जो है लास्ट क्वार्टर में बैंक ने पोस्ट किया है, बैलेंस शीट हमने चेक किया है, बैलेंस शीट भी अच्छी है,
रिजर्व्स में एडिशन है, 38,000 करोड़ से 43,000 करोड़ पर रिजर्व्स पहुंच गए हैं। लोन बुक जो है, लोन 5,62,000 करोड़ था, अभी बढ़ के 6,10,000 करोड़ हो गया है, अच्छी बात है। फिर 7,00,000 करोड़ के तो बैंक के पास सिर्फ एसेट्स हैं, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में 79-80% सरकार के पास, FIIs होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, DIIs का 11-12% है, पब्लिक के पास सिर्फ 4.62%। अभी चार्ट पैटर्न्स पर स्टडी करेंगे, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट इन द कमिंग डेज, एक्शन क्या हो सकता है, एंड स्टडी जो आपके सामने पेश की जा रही है, पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टडी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब सबसे पहले स्टॉक का बेसिक ट्रेंड देख लीजिए, स्टॉक का जो ट्रेंड है वो देखिए, क्लियरली समझ में आ रहा है स्टॉक का जो ट्रेंड है वो ऊपर ही है, बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल रहा है, एंड स्टॉक जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना लिया है ऊपर की तरफ वो है ये। अगर आप स्टडी रेगुलरली देखते होंगे तो पता चल गया होगा अब तक कि स्टॉक जो है काम कर रहा है किसमें, स्टॉक काम कर रहा है असेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न में। देखिए असेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न में स्टॉक काम कर रहा है, इन द कमिंग डेज ये जो एक नैरो रेंज है उसमें स्टॉक जाने की पूरी तैयारी कर रहा है। लेट्स सी, मार्केट का मूड अच्छा रहा तो ऊपर निकल जाएगा, बट मूड खराब हुआ ना तो नेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ सकती है। अब लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है उसको जानेंगे, सबसे पहले कौन सा वो लेवल है ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडर्स कौन है, वो है जो कुछ दिनों के लिए पोजिशन बनाते हैं, 5 दिन 7 दिन 10 दिन, ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे स्टॉक बंद हो जाता है तो नुकसान और बढ़ सकता है, वो यहाँ से 20 रुपये दूर है, दैट इज़ 270 रुपीज़, पिछले कुछ दिनों का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल या वीकेस्ट क्लोजिंग कहिए, इसके आसपास बंद होकर उछला है, तो इसके नीचे बंद होने के संकेत मिलते हैं, पोजीशन छोड़ देनी है। नेक्स्ट, वही ट्रेडर्स के लिए ऊपर की तरफ कौन सा वो लेवल है जो रुकावट बनी हुई है एंड उसके ऊपर बंद होगा तो अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी, इट इज़ 304.75, 304.75, ये एक हाईएस्ट क्लोजिंग है, एंड जो क्लोजिंग मिली थी 31 जून यानी कि बजट के एक दिन पहले, एंड ये जो लेवल है वहाँ पर रुकावट बार बार मिल रही है वो भी हमको देखने मिल रहा है, देखिए यहाँ पर मिली, फिर पिछले 2-3 दिन में यहाँ पर 2 बार ऐसा हुआ है, तो इसको ध्यान में ज़रूर रखना है। तो ट्रेडर्स जो कुछ दिनों के लिए पोजिशन बनाते हैं, नीचे की तरफ 270 का एक सपोर्ट लेवल हो गया, ऊपर की तरफ 304.5 की रुकावट हो गई। अब कहने का मतलब ये है 304.5 के आसपास जब जब आपको स्टॉक देखने मिलता है तो स्मार्ट मूव ये होगा वहाँ पर पोजिशन छोड़ के निकल जाए, क्योंकि वहाँ पर दबाव देखने मिल रहा है। अब 304.75 ये लेवल के ऊपर अगर स्टॉक निकल जाता है तो इन द कमिंग डेज सबसे पहले बता दूँ स्टॉक का सर्किट लिमिट 20% वॉलीटिलिटी जो है देखने मिल सकती है, तो ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो आराम से 335, 365 ये रेंज में आराम से स्टॉक जो है जाता हुआ दिख सकता है। अब वॉलीटिलिटी अगर होती है, मूड ख़राब होता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर मिलता है इन्वेस्टमेंट कर सकता है, सबसे पहले 240 एंड फिर 190 इस रेंज में स्टॉक मिलता है, तो इन्वेस्टमेंट किसी को करना है बैंक में इस तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडियन बैंक नाम याद रखिएगा, 240-190 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, एंड बढ़िया तेज़ी के साथ पिछले कुछ महीनों में उछाल के साथ ऊपर की तरफ निकला है, फंडामेंटली मजबूत बैंक है, एंड पिछले दिनों इसी रेंज के आसपास कुछ काम कर रहा था, 200 रुपये के आसपास 150 रुपये के आसपास, बट बढ़िया उछाल आया है एंड अभी थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया है, तो जिनको डर लग रहा है एंड गिरावट के लिए रुकना है तो 240-190 ये रेंज है। अगर मार्केट और करेक्ट होता है तो PSU बैंक्स भी आपको उस रेंज के आसपास देखने मिल सकते हैं, इनफैक्ट वो सारे PSU बैंक जिनके अभी रिसेंटली आपको पता होगा चर्चा, मतलब मार्केट का जो हॉट टॉपिक है अदानी ग्रुप में किस तरह से मतलब गिरावट हो रही है, तो वो सारे बैंक्स जिनका अगर उनमें एक्सपोजर है मतलब रब ऑफ इफेक्ट मिल सकता है, मतलब न्यूज़ में कितनी सच्चाई, मतलब जो चल रहा है उसमें सच्चाई कितनी है पता नहीं, बट सीधी सी बात है जिन्होंने कर्ज देकर रखा है वो भी जो रब ऑफ इफेक्ट है अदानी ग्रुप का उन पर भी देखने मिलेगा, तो वो सारे बैंक्स पर भी आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पर भी गिरावट अगर होती है ना तो ध्यान रखिएगा, बढ़िया बढ़िया मौके हैं अच्छे अच्छे शेयर्स कलेक्ट करने के। तो फ्रेंड्स ये है PSU बैंक, इंडियन बैंक के ऊपर लेटेस्ट स्टडी, पसंद आई होगी तो प्लीज़ स्टडी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सिंपल सरल स्टडीज़ देखने तो प्लीज़ और भी स्टडीज़ अपलोड की गई चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के द्वारा हमसे जुड़िएगा ज़रूर, जो भी लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब जो है आपको दिए जाएंगे, एंड सोशल मीडिया पर और कहीं भी हम अवेलेबल नहीं है, हमसे कनेक्ट करना है तो सिर्फ कमेंट सेक्शन के द्वारा ही आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आप इस स्टॉक के बारे में क्या राय रखते हैं, 7 के पेपर मिल रहा है, लगभग 95% होल्डिंग तो प्रमोटर्स और FIIs के हाथ में ही है, सिर्फ 4-5% पब्लिक के हाथ में है, एंड पिछले 4 क्वार्टर के बेस्ट नंबर्स पोस्ट किए बैंक ने, उसके बारे में भी क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। तो शुक्रिया स्टडी देखने के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।